हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी DIY फेस पैक एंड स्क्रब। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोई, ब्राइट एंड एक्ने फ्री बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ क्लीन बाउल, और इसमें मैं लूँगी 2 स्पून ओट्स के। इसके बाद मैं इसमें लूँगी 2 क्रश की हुए आलमंड्स। इनको मैंने ग्राइंडर में क्रश कर लिया था। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ हनी। नेक्स्ट मैं लूँगी मिल्क 1/2 स्पून, एंड इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये कुछ इस तरह का बन के रेडी होगा। अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। सो, इसको आपको 3 से 4 मिनट के लिए अपने फेस एंड नेक पे हल्के हाथों से मसाज करना है। इसमें हमने जो ओट्स लिए हैं वो आपकी स्किन को ग्लोई एंड ब्राइट बनाएंगे, एंड जो आलमंड्स हैं वो आपकी स्किन से स्कार्स को दूर करने में हेल्प करेंगे, एंड आपकी स्किन को भी ग्लोई भी बनाएंगे। और यहाँ पे हमने जो हनी एंड मिल्क लिया है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। ये स्क्रब जो है वो ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और ये आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करता क्योंकि इसमें हमने मिल्क और हनी लिया है। इस स्क्रब को आप वीक में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हो। सो, मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मसाज किया। उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी। एंड नेक्स्ट हम बनाएंगे अपना DIY फेस पैक। सो, इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे क्लीन बाउल और कुछ नीम के लीव्स। अगर आपके पास नीम के लीव्स नहीं हैं तो आप नीम का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। मैं इन नीम लीव्स का मिक्सर ग्राइंडर में एक पेस्ट रेडी कर लूँगी, एंड 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लूँगी। इस पे मैं ये नीम का रेडी किया है पेस्ट 1 स्पून डाल दूँगी, एंड इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसके बाद आपको इसमें रोज़ वाटर मिक्स करना है। अगर आप रोज़ वाटर मिक्स नहीं करना चाहते तो आप वाटर भी मिक्स करके एक इस तरह की कंसिस्टेंसी रेडी कर दीजिए। और उसके बाद मैं इसको अपने फेस एंड नेक पे अप्लाई करूँगी। आपको इसका एक थिक लेयर अपने फेस पे लगाना है, और कम से कम उसको 20 to 25 मिनट्स तक अपने फेस में रखना है। इसको आपको पूरी तरह से अपने फेस पे ड्राई नहीं होने देना है। जब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगे उसके बाद आपको इसे वॉश कर देना है कोल्ड वाटर के साथ। इसमें हमने जो मुल्तानी मिट्टी ली है वो आपकी स्किन से सारी इम्प्योरिटीज़ को दूर करती है, एंड आपकी स्किन से जो एक्सेस ऑयल होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। एंड जो नीम है उसमें बहुत सारी एंटी बैक्टीरियल एंड एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आपके फेस से पिम्पल एंड एक्ने को हटाती है। एंड रोज़ वाटर जो है वो हमारी स्किन को सूद करता है, एंड हमारी स्किन से रेडनेस को हटाता है। आप इस पैक को फिंगर्स की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं।